अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लेक्चर ऑफ ग्रेड 6 ज्योग्राफी, यूनिट नंबर 7। यूनिट नेम इज़ वर्ल्ड पॉपुलेशन। स्टूडेंट्स, यू ऑल नो दिस इज़ आवर फोर्थ लेक्चर। इन द प्रीवियस 3 लेक्चर्स वी हैव लर्न अबाउट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। In this lecture, we will learn about impacts of population growth on environment, population of Pakistan, and the subtopic of population of Pakistan is distribution and density of population. First of all, students, write down index, write down serial number, date, and the topic on your notebook. Students, before we begin with the reading, make sure you have geography book, notebook, and your stationery with you. Listen to the teacher attentively. Note down the points you don't understand and contact us on WhatsApp through voice note for any query. Students, now open book page number 93, Impacts of Population Growth on environment. The necessities of life increase with the increase in population. जैसे जैसे हमारी population increase होगी, वैसे ही हमारी necessities हैं वो बढ़ती जाएंगी, हमारा lifestyle change होता जाएगा। तो obviously बात है, necessities उतनी ही बढ़ती हैं। To meet those necessities, the efforts done by human beings affect the natural environment directly. तो उन नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए हम जो भी अपनी कोशिशें करते हैं, उससे हमारे इन्वायरमेंट पर डायरेक्टली असर पड़ता है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द फॉलोइंग पिक्चर्स इन विच सम इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैव बीन हाईलाइटेड। सो पॉपुलेशन ग्रोथ में इंक्रीज़ की वजह से जो इन्वायरमेंट पर असर पड़ता है, उसके कुछ पिक्चर्स हम देखेंगे। In the first picture, acid rain is shown. Acid rain results from air pollution which affects the crops. अब rain acidic कैसे होती है? जब rain नीचे आती है cloud से, तो जो हमारी factories से smoke निकलता है वो rain में शामिल हो जाता है, इससे rain acidic हो जाती है, जो कि हमारी crops के लिए बहुत harmful होती है, हमारी क्रॉप्स उससे बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं। तो ये एक इम्पैक्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ का हमारे इन्वायरमेंट पर। द सेकेंड पिक्चर इज़ शोन हियर, ट्री कटिंग रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ट्रीज़ हैं वो सोर्स होते हैं हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का, तो अगर ट्रीज़ ही नहीं रहेंगे तो हम ऑक्सीजन, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी। तो ये भी एक पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से इन्वायरमेंट पर होने वाला एक असर है। द थर्ड पिक्चर इज़ हियर इन विच डिफॉरेस्टेशन इज़ शोन, क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड रिडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड कॉज डिजर्टिफिकेशन। जैसे जैसे हम लैंड्स जो हैं, जो एग्रीकल्चरल लैंड हैं, उन्हें साफ़ करते जाएंगे, तबाह करते जाएंगे और फॉरेस्ट को ख़त्म करते जाएंगे, तो हमारा जो लैंड है, हमारी ज़मीन है, वो डेजर्ट में तब्दील होना शुरू हो जाएगी, जो कि हमारे इन्वायरमेंट पर बहुत असर करती है। नेक्स्ट पिक्चर इज़ हियर, इम्पैक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन इन्वायरमेंट। Construction of housing schemes on agricultural lands increase air temperature. अगर हम agricultural lands पर house बनाना शुरू कर देंगे तो हमारा जो air temperature है वो वैसे ही increase करना शुरू कर जाएगा। तो ये भी हमारे environment पर population growth का एक effect है। Now students, we will learn about population of Pakistan. According to population, Pakistan is the 6th largest country of world.
The present population of Pakistan is about 177.7 million. Like the world, the distribution of population in Pakistan is not uniform. तो जैसा कि हमारे वर्ल्ड के दूसरी कंट्रीज़ की तरह पाकिस्तान में भी पॉपुलेशन हर जगह एक जैसी नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो कहीं कम. तो टोटल पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो है 177.7 मिलियन. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. अकॉर्डिंग टू द 1998 census, the density of population in Pakistan was 166 persons per square kilometer, which is about 220 persons per square kilometer at present. So students, 1998 में जो मर्दमशुमारी हुई थी उसके मुताबिक पाकिस्तान में एक मुरब्बा किलोमीटर में per square kilometer में 166 persons पॉपुलेटेड थे, जो कि अब बढ़कर 220 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर तक पहुंच गई है इसकी तादाद. द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज शोन इन द मैप एंड टेबल. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज हेयर. इस मैप में आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं. द डॉट वन डॉट डिनोट्स 5 लाख पर्सन्स and we have a table here. In this table we will learn about the density and distribution of population. The first province is Punjab. The area of Punjab is 205,345 per square kilometer. Population of Punjab is 96.6 million. The populated areas of Punjab are Lahore, Faisalabad, Multan, Gujranwala and Rawalpindi. The second province here is Sindh. The area of Sindh is 140,914 square kilometer. Population of Sindh is 42.2 million. The populated areas of Sindh are Karachi, Ladkana, Mirpur Khas and Hyderabad. The third province is Khyber Pakhtunkhwa. Area of Khyber Pakhtunkhwa is 74,521 square kilometer. Population of Khyber Pakhtunkhwa is 23.8 million. The populated areas of Khyber Pakhtunkhwa are Peshawar, Charsadda, Mardan, Bannu and Abbottabad. The fourth one is Balochistan. Area of Balochistan is 347,190 square kilometer. Population of Balochistan is 9 million. The populated areas of Balochistan are Quetta, Jafarabad, Qila Abdullah. Next one is Pata. Area of Pata is 27,220 square kilometer. Population of Pata is 4.2 million. And the populated areas of Pata are Bajor, Khyber, Kurkam and Mohammed Agency. Islamabad. The area of Islamabad is 906 square kilometer. Population of Islamabad is 1.3 million. And the source of this table is Economic Survey of Pakistan 2009 to 10.
Now students, this is your homework. Open your diary. Write date, subject which is geography, and write down your diary. Students, now open book page number 102. Write short question number 5 on your geography homework notebook. Your short question number 5 is, what is meant by population density? So students, aap note down kar le is question ka answer. The question of this answer is, the number of people per square kilometer is called population density. Aapko ek bar phir repeat kar deti hu is question ka answer, which is, the number of people per square kilometer is called population density. So students, write this answer on your geography homework notebook and also learn impact of population growth on environment. So students, this is the end of our lesson. Allah Hafiz.